आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुख करते हैं अभी तक की प्रमुख खबरों की तरफ। सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना जिसमें हर व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर सीधा कलेक्टर से बात कर सकता है, हर मंगलवार को जिला मुख्यालय पर लगती है जनसुनवाई, जिसमें कलेक्टर लोगों की परेशानियों को सुनकर उनका निदान करते हैं। आज गुना में जनसुनवाई के दौरान लोग अपनी समस्या लेकर कलेक्टर राजेश जैन से मिले। ऐसा ही एक समस्या लेकर जामनेर से कुछ लोग जनसुनवाई में पहुंचे। जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि उनके गांव में मालीपुरिया में अतिक्रमण किया जा रहा है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कई बार फॉरेस्ट के अधिकारियों से इस बाबत मिलने के बाद भी कोई निराकरण नहीं किया गया। शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि अतिक्रमण फॉरेस्ट की जमीन पर किया जा रहा है, इसके बाद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जामनेर के अंतर्गत एक गाँव आता है मानपुरिया, वहाँ पिछले 1.5 महीने से नया अतिक्रमण करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए हमने DFO साहब से बात करी थी, पिछली जनसुनवाई में भी आवेदन दिया था, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वहाँ को ऐसा लग रहा है कि वन विभाग की मिली भगत से वहाँ पे अतिक्रमण कराया जा रहा है। कल मेरी रेंजर साहब भार्गव से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं दिखवा लूँगा, कल भी नहीं गए परसों भी नहीं गए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे अगर उसको रोका नहीं गया अतिक्रमण को तो वहाँ बहुत बड़ी घटना होने की संभावना है। इसी दौरान अपनी समस्याओं को लेकर मकसूदनगढ़ से शिकायतकर्ता पहुँचे। यहाँ शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि उसे उसकी ज़मीन तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि रास्ते के लिए SDM और तहसीलदार ने पहले ही आदेश कर दिए हैं, इसके बाद भी उसे रास्ता नहीं दिया जा रहा है। यह शिकायतकर्ता ने यह भी बताया कि पहले भी जनसुनवाई में आ चुका है लेकिन इसके बाद भी अब तक उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि पिछली बार की तरह इस बार भी कलेक्टर राजेश जैन ने उसे सिर्फ आश्वासन ही दिया कि इस बार इसका काम हो जाएगा, पर कब होगा यह नहीं बताया। समस्या रास्ता हमारा 3 साल से बंद है, जमीन पर जाने का नलखिला पे, मतलब नलखिला मोजा में है जमीन, लेकिन करेला से नलखिला जाने में मतलब मेला पे लगी हुई जगह, तहसीलदार साहब ने SDM साहब ने भी फैसला दिया है, पर अभी तक मतलब हमारा रास्ता खुला नहीं है। आज 1.5 साल तो रास्ता खुले हुए हैं। फूल सिंह बिहारी लाल ने रोक रखा है और गोविंद सिंह, ये पिछले मंगलवार को भी मतलब कलेक्टर साहब ने लिखित में लेटर भेजा है कि 3 दिन का समय दी थी, लेकिन वो तहसीलदार कहता है मतलब इष्ट है सुनता ही नहीं है। फिर आदेश दिए शुक्रवार की बोली है, श्रीमान जी देखो क्या हो रहा है। वहीं एक और शिकायतकर्ता जो नया गांव से आए हैं, उन्होंने भी अपनी शिकायत जनसुनवाई में कलेक्टर राजेश जैन के समक्ष रखी। यहीं शिकायतकर्ताओं का कहना है कि अभी तक उनके गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ना ही वहां शौचालय बने हैं और ना ही पक्के सड़कें। आपको बता दें कि शौचालय का काम बहुत पहले ही पूरा हो चुका है। वहीं नया गाँव से आए शिकायतकर्ताओं का बात माने तो उनके गाँव में अभी तक कोई शौचालय नहीं बना है। हालांकि इन्हें भी कलेक्टर राजेश जैन ने आश्वासन ही दिया, पर यहां एक सवाल यह भी है कि सरकार की योजनाओं के अनुसार शौचालय का निर्माण किया जाना था, तब यह नया गांव अछूता कैसे रह गया, क्यों किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं गया। सुवर्सी यादव नया गांव। कौन सा तेजन? वहाँ तो जी लगती है गुना समस्या, हमारे यहाँ वो नहीं, लेटर बाथरूम नहीं बने हैं, शौचालय और रोड खराब हो रही है अंदर जाने के लिए, गांव मोहल्ले में कीचड़ है, कुछ भी नहीं आया, कोई सुविधा नहीं मिली आपको? सुविधा नहीं मिली है। वहीं जनसुनवाई में बरखेड़ा से भी शिकायतकर्ता पहुंचे। शिकायतकर्ता का कहना है कि कलेक्टर और विधायक ने उन्हें आर्थिक सहायता देने की बात की थी जो आज तक नहीं मिली है। आपको बता दें कि 13 जून को बरखेड़ा से दुहाई जाते समय एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया था जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी, साथ ही 40 लोग घायल हुए थे। उसी समय कलेक्टर और विधायक ने मृतकों के लिए 15,000 की सहायता राशि देने की बात कही थी, साथ ही घायलों को 7,500 रुपये प्रति व्यक्ति देने की भी बात की थी, लेकिन आज तक ना ही कोई अधिकारी वहाँ पहुँचा ना ही राशि। अपनी इसी शिकायत को लेकर शिकायतकर्ता आज कलेक्टर राजेश जैन से मिले।
तुम पीछे हो जाओ भाई। मामला ये है कि हम लोग सब लोग वहाँ भंडारे के लिए जा रहे थे दुआई भरखड़ा गढ़ से, 13 तारीख को बात है, तो वहाँ ट्रैक्टर पलट गया था, ट्राली पलट गई थी, उसमें 42 लोग घायल हो गए थे, 2 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसी दौरान कलेक्टर साहब और विधायक साहब का दौरा हुआ, जाना हुआ उनका, उन्होंने बताया, उन्होंने घोषणा की, बोले कि मृतकों के लिए 15,000 रुपये और जो घायल हैं उनको 7,500 रुपये देंगे। अभी तक ना उस सुविधा का लाभ दिया गया है, और इसके बाद तुरंत 5 दिन बाद वहाँ से हॉस्पिटल डिस्चार्ज कर दिया है ना, और मौके पे जाके ना किसी अधिकारी ने जांच की, और सब लोग अभी वही स्थिति में घायल लोग ही हैं। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? हाँ मिले। क्या बोले हैं? दिया उन्होंने, बोला ये लिख दिया किसी अधिकारी को। आरोन तहसील में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वृक्षारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में फलदार वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया एवं पूर्ण सुरक्षा के लिए साथ में जाली भी लगाई गई। वृक्षों की रक्षा के लिए स्कूल एवं प्राचार्य ने जिम्मेदारी भी ली। बड़े वृक्षों की सुरक्षा करने के लिए स्कूल के सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया गया कि अपने जीवन में वृक्ष लगाना अनिवार्य है एवं उनकी सुरक्षा करना भी विशेष रूप से अनिवार्य है। इस कार्यक्रम में आरोन SDM नीरज शर्मा सहित स्कूल के शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। आरोन से हमारे सहयोगी मिथुन शर्मा की रिपोर्ट। आप मानव जीवन में कुछ बताइए। आप वृक्षारोपण आज के समय में बहुत अनिवार्य चीज़ है, यदि अपने आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ रहे मतलब उसके लिए वृक्षारोपण करना अनिवार्य है। मैं तो सभी आम नागरिकों और विशेष विद्यार्थियों से ये निवेदन करता हूँ बार बार कि वृक्षारोपण लगाएं, एक पौधा लगाएं, और इतना उसका अपन जैसे घर के मेम्बर का लालन पालन करते हैं वैसे ही वृक्ष का बड़े होने तक लालन पालन करें, तो जब फल देने तक मतलब तब जाके जो चीज़ निःशुल्क मिलती है अपन को उनका अपन बेहतर समझते, तो वो अपने जीवन की सबसे अनिवार्य चीज़ें हैं। वृक्ष वृक्ष पानी हवा ऑक्सीजन जी मतलब, तो सभी से बार बार ये निवेदन करता हूँ वृक्षारोपण अधिक से अधिक वृक्ष लोग लगाएं जिससे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके मतलब। और अभी यहाँ पे कितने प्लांटेशन किया है, कितने वृक्ष लगाए? अभी SDM साहब महोदय के नेतृत्व में 6 पौधों का वृक्षारोपण किया गया। धन्यवाद। आज जनसुनवाई में पहुंचे एक निजी स्कूल के अभिभावक गण। पालकों का आरोप है कि शांति पब्लिक स्कूल में अप्रैल माह में अत्यंत फीस वृद्धि की गई थी, जिसके बाद जब शिकायत की गई तो कलेक्टर राजेश जैन ने एक कमेटी बनाकर उनकी फीस को संशोधित करके ज़्यादा फीस पालकों को वापस करने का फैसला सुनाया था। इसके बाद जब पालक शांति पब्लिक स्कूल के मैनेजमेंट के पास गए तो उन्होंने फीस वापस न करते हुए कहा कि फीस को आगे एडजस्ट कर देंगे। जबकि दूसरी किस्त का समय आया तो शांति पब्लिक स्कूल के प्रशासन ने कोई फीस एडजस्ट नहीं की। इसके लिए एक बार फिर से स्कूल के छात्र छात्राओं के पालक जनसुनवाई में पहुंचे और लगाई कलेक्टर से गुहार। आज हम लोग शांति पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के पालक सभी इकट्ठे होकर कलेक्टर साहब से गुहार लगाने के लिए आए। विगत अप्रैल के महीने में
क्योंकि उसने इतनी स्कूल प्रबंधन ने इतनी अधिक फीस वसूल ली थी कि छात्रों के पालक भाई नहीं कर पाए, तो हमने शिकायत की। कलेक्टर साहब ने कमेटी बनाई, कमेटी का निर्णय हुआ और वो सार्वजनिक भी हुआ, सभी अखबारों में भी आया, उसकी कटिंग भी हमारे पास है और उसको आदेश दिया गया था कि जो अधिक फीस वसूली हुई है उसको वापस की जाए। तो जब हम उनसे मिले तो उनने पहले ये बोल दिया कि अपन आगे कुछ एडजस्ट कर लेंगे। अब जब दूसरा इंस्टॉलमेंट की बारी आई तो हम सब फीस जमा करने गए तो ना उसको एडजस्टमेंट किया और ना फीस वापस ही की है। इसलिए आज हम सभी पालक जोड़ कर आए हैं कलेक्टर साहब से, उस या तो वो उनका आदेश नहीं मान रहा है तो उन पर उस पर एक्शन लिया जाए, या आदेश सही नहीं था। तो अभी कलेक्टर साहब से आप मिले, क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने हमारा आवेदन लिया है कि उसको आज ही हम दिखवाते हैं, कल तक आपको सूचना मिल जाए। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह रघुवंशी। साइंस सिटी कॉलोनी के रहवासी पहुंचे जनसुनवाई में। सन सिटी कॉलोनी के रहवासियों का आरोप है कि नगर पालिका अध्यक्ष और सीएम उनकी नहीं सुनते। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जब उनसे अपनी कॉलोनी की रोड के निर्माण के लिए नगर पालिका में जाते हैं तो उन्हें यही कहा जाता है कि उनकी कॉलोनी अवैध है। नागरिकों ने यह भी कहा कि यदि हमारी कॉलोनी अवैध है तो वहाँ पर नल कनेक्शन कैसे लगाया गया, साथ ही बिजली के खंभे भी क्यों लगाए गए। नागरिकों ने यह भी आरोप लगाया कि गुना में कई कॉलोनियाँ अवैध हैं, इसके बाद भी वहाँ पर निर्माण कार्य एवं रोडों का निर्माण किया जा रहा है, तो हमारी ही कॉलोनी को क्यों पीछे छोड़ दिया गया। कॉलोनी वासियों ने यह भी कहा कि उन्होंने जनसुनवाई में पहले भी आवेदन दिया था। वहीं कॉलोनी वासियों ने यह भी कहा कि उन्होंने जनसुनवाई में पहले भी आवेदन दिया था, जिसके बाद कलेक्टर महोदय ने आदेश पारित किया था कि इस कॉलोनी में निर्माण कार्य किए जाएं। उसके बाद भी नगरपालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। करती है लगभग 10 साल से मैं निवास कर रहा हूँ, लेकिन हमारी कॉलोनी में अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का सीसी रोड का निर्माण कार्य नहीं हुआ है, जो कि पूर्व में नगरपालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, उनसे भी कई बार निवेदन किया, और मुख्य नगरपालिका अधिकारी पूर्व में जो रह चुके हैं अमरसत गुप्ता जी, उनसे भी निवेदन किया, वर्मा जी से भी निवेदन किया, इसके बाद में भी अभी तक किसी प्रकार का कोई उनके द्वारा निराकरण नहीं किया गया। पूर्व में माननीय कलेक्टर महोदय के पास भी हम आए, उनसे भी हमने निवेदन किया जनसुनवाई में। जनसुनवाई का एक महीने का समय होता है, जो कि कलेक्टर महोदय के आदेश का नगरपालिका अध्यक्ष सीएमओ साहब ने पालन नहीं किया, तो हमारा यही माननीय कलेक्टर महोदय से आग्रह है कि वो जांच कराएं कि गुना में पूरे 37 वार्डों में कौन कौन सी कॉलोनियाँ अवैध हैं, कौन सी वैध हैं, जिससे हमारी कॉलोनी का निर्माण कार्य हो सके। क्योंकि जब भी हमारी नगर पालिका में जाके बात हुई तो नगर पालिका सीएमओ साहब का भी यही कहना रहता है, माननीय अध्यक्ष महोदय का भी यही कहना रहता है कि आपकी कॉलोनी अवैध है और आपकी कॉलोनी में भवन निर्माण अनुमति नहीं ली गई है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये कहा है कि 2500 वर्ग फिट तक भवन निर्माण अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। तो माननीय कलेक्टर महोदय से यही आग्रह है कि वो जांच कराएं कि कौन सी कॉलोनी अवैध है, कौन सी वैध है, क्योंकि गुना में लगभग सभी कॉलोनी अवैध हैं जिनमें नगर पालिका द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो हमारा यही निवेदन था कि भाई हमारी कॉलोनी को छोड़ी जा रही है, अगर सभी अवैध हैं तो सभी अवैध कॉलोनी अगर हैं तो उनमें भी निर्माण कार्य मत करो, और नहीं तो हमारी कॉलोनी में भी करो। यदि अवैध थी तो अगर हमारी कॉलोनी अवैध थी तो वहाँ पे लाइट के खम्भे नहीं लगना था, पाइप लाइन नल की लाइन नहीं डलनी थी। मेरा नाम हेमंत शर्मा है, तो हमारा तो माननीय कलेक्टर मोदी। जनसुनवाई में आज एक दिलचस्प मामला देखने को मिला, जहां कुटीर निर्माण के लिए सचिव ने 10,000 शिकायतकर्ता से मांगे। शिकायतकर्ता के पैसे देने के बाद भी उसकी कुटीर का निर्माण नहीं किया गया। आपको बता दें कि डुंगासरा पंचायत में रहने वाले शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि दिनेश साहू ने उससे 10,000 रुपए की मांग की थी। जब कुटीर की लिस्ट आई तब शिकायतकर्ता का नाम उस लिस्ट में नहीं था।
वहीं दूसरी ओर दिनेश साहू का कहना है कि उसने कोई भी पैसों की मांग नहीं की है। शिकायतकर्ता झूठी शिकायत कर उस पर दबाव बनाना चाहता है। मामला ये था कि कुटी जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आती उसके अंतर्गत मेरे 10,000 रुपए लिए गए थे। अशोक सेक्रेटरी और इनका सुरेश धागल सेक्रेटरी, सुरेश धागल सेक्रेटरी के हाथ में दिए थे मैंने। कहीं तुम्हारे को कुटी दिलवाएंगे कहीं, और पर मैं कुटी आने पर मेरे को ये बोल दिया कि तुम्हारे को बिल्कुल कुटी नहीं दी जाएगी, तुम्हारे पास पक्का मकान है सक्षम। पर मेरे पास BPL का राशन कार्ड भी, मेरे पास एक बेटा एक बेटी। एक बार मैं इसी में आया तो जिला पंचायत में, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं, फिर मैं दूसरी बार कलेक्टर साहब आया तो जहाँ पर मेरा एक फारा मार छीन लिया, फिर मैं दोबारा किसी एक जने सलाह लेके झंडे बांधे से दोबारा टाइप करवा के मैंने कलेक्टर बाबू जी को दिया। तब कलेक्टर साहब ने हमें यह आश्वासन दिया था कि इन दोनों को सस्पेंड किया जाए। मैं डूंगासरा रोजगार सहायक हूँ। शिकायत करता बिल्कुल झूठी शिकायत की गई है, ना ही उससे 1 रुपये की मांग की गई है और ना ही 1 रुपये लिया गया है उससे। ड्यूटी कर रहे हैं, उसका नाम है उसमें सूची में, तो हमने बोला था अगले लक्ष्य में तुम्हारा नाम आ जाएगा, वो आया नहीं है। झूठी एक विरोधकर्ता के द्वारा उकसाया गया है उसको और झूठी फर्जी शिकायत की गई है। शोक से भरे ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत डूंगासरा। प्रकरण की जाँच के उपरांत ही ये साबित होगा कि शिकायत झूठी है या सही है। आज जनसुनवाई में किया गया इस बार एक अनोखा प्रयोग, जिसमें किसी भी शिकायतकर्ता या हितग्राही को किसी भी समस्या के लिए अब कलेक्टर का नहीं करना पड़ेगा इंतजार। यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा शिकायतकर्ता के अधिकारी तक शिकायतकर्ता के सामने ही बात की जाएगी, जिससे समय की बचत होगी, साथ ही में कार्य में भी पारदर्शिता रहेगी। इस अनूठे प्रयोग के बारे में हमने कलेक्टर राजेश जैन से बात की। जन सुनवाई के समय हमने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था की है। अगर किसी तहसील या विकास खंड का कोई भी आवेदन आता है या हितग्राही आता है तो संबंधित तहसीलदार से, SDO से, CO जनपद से और जो भी हमारे तहसील लेवल के कर्मचारी हैं, सब डिवीज़न लेवल के कर्मचारी हैं, उनसे तत्काल चर्चा करके उसकी समस्या का निराकरण कर दिया जाता है। तो निश्चित रूप से यह व्यवस्था प्रभावी सिद्ध हो रही है। और हमारी अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाली व्यवस्था इस तरह से रही तो निश्चित रूप से यहाँ पर भविष्य में कमी आएगी लोगों की, जो सभी लोग जन सुनवाई में जिला मुख्यालय पे आते हैं वो लोग अपनी जन सुनवाई में तहसील मुख्यालय पे भी आवेदन दे सकते हैं और किसी प्रकार की कोई गंभीर शिकायत है तो तत्काल मेरे से ऑनलाइन भी चर्चा कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यहाँ तक हमारे जी मध्य प्रदेश में नया काम किया है कि ऑनलाइन ही करते हैं हम लोग सुनवाई, और भी जिलों में हो रहा है कुछ जिलों में, लेकिन हमने भी यहाँ पर प्रारंभ किया। कॉलेज में फीस वृद्धि को लेकर आंदोलन कर रहे DSO ने आज विधायक पन्नालाल शाक्य को दिया ज्ञापन। पिछले दिनों DSO द्वारा एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें शहर के दुकानदारों एवं आम नागरिकों से हस्ताक्षर कराकर सहयोग मांगा गया। DSO कार्यकर्ताओं का कहना है कि कॉलेज में लगातार हो रही फीस वृद्धि अनैतिक है, जबकि कॉलेज के पास पहले भी बेहिसाब पैसा रखा हुआ है, जिसका अभी तक उन्होंने कोई हिसाब नहीं दिया है। इसकी प्रतियां भी DSO के कार्यकर्ता पहले भी दिखा चुके हैं। आज अपनी इसी मांग को लेकर कि फीस वृद्धि को रोका जाए और वापस लिया जाए, विधायक पन्नालाल शाक्य को उनके निवास पर ज्ञापन दिया। हालांकि अभी विधायक ने उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिया है, जिससे DSO के कार्यकर्ता खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता की आवाज़ वह नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। अभी आज हम लोगों ने यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स ने मिल के गुना विधायक को ज्ञापन दिया है फीस वृद्धि के खिलाफ में, कि जो जनभागी द्वारा जो फीस बढ़ाई गई है कॉलेज में स्कूल में, उसमें विधायक भी अपने उससे हस्तक्षेप करे और उसमें फीस कम करवाने के लिए अपना प्रयास करे। इसी डिमांड के साथ उनको भी ज्ञापन दिया गया है। साथ ही साथ कल भी हम लोगों ने मार्केट में आम जनता के बीच में, शहर के दुकानदारों के बीच में हस्ताक्षर अभियान करवाया था, जिसमें ये जो आप देख रहे हैं ये सभी के बीच में एक समर्थन जुटाया गया है। और ये पूरा आंदोलन
बहुत सारा एक वो भी है कि कहीं ना कहीं विधायक भी एक इस तरह का जवाब दे रहे हैं कि वो बस हस्तक्षेप करेंगे, लेकिन इस चीज़ में तो जनता भी जो डिमांड कर रही है उसकी आवाज़ भी जनप्रतिनिधि के उससे निकल कर आना चाहिए। और यही डिमांड हम उन लोगों से कर रहे हैं, जनप्रति होने के नाते जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़, और इसमें फीस प्रति के खिलाफ में फीस प्रति कम करवाने के लिए वो अपना रोल अदा कर, इस डिमांड के साथ ही आंदोलन चल रहा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। इसमें हम आगे भी अलग अलग ढंग से गतिविधियाँ लेंगे, पोस्ट कार्ड भी हम लोग साइन करवा रहे हैं सभी, इस तरह से आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। और फीस प्रति को लेकर जो हमारा मानना है कि फीस प्रति किसी भी तरह से सही नहीं, हर मायने में गलत ही है। आप छात्रों से पैसा लेकर उसको शिक्षा देंगे, ये तो कहीं पे किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का आधार नहीं। इसी के साथ ही आंदोलन लगातार आगे बढ़ेगा। सोनम शर्मा, ऑल इंडिया न्यूज़। नवीन कलेक्ट्रेट भवन में आज सुबह किया गया पौधारोपण। इस पौधारोपण को लेकर जिला कलेक्टर काफी दिनों से प्रयासरत थे। कलेक्टर राजेश जैन का मानना था कि आम के पेड़ न लगाते हुए यहां पर ऐसे फलदार वृक्ष लगाए जाएं जो आगे छाया तो दें पर साथ में भी फल भी दें। इसी तारतम्य में आज जिला कलेक्टर के नेतृत्व में प्रशासनिक अधिकारियों एवं प्रेस क्लब द्वारा नवीन कलेक्ट्रेट भवन में पौधारोपण किया गया। कदम है, बादाम तो हाँ वेरी गुड, आगे और हैं सर 20। चलिए लगवाइए आप तो सब पेड़ डालो, लगा भाई आ गए सबका, आ गया आ गया, उन्हीं के भाई ने जाना मारना जो आ गया उन्हीं के आया है सर, हां चाहिए आओ नेक्स्ट टाइम आओ आ गया। पंकज तू भी लगवा दे एक, इधर नहीं इधर ही आ जा, इसमें लगा ले सर, इधर आज कुमार की टीम में आ गया। पौधे लगवा रहे हैं, मोटो वाले पौधे नहीं है। क्या आप भी अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं? अगर नहीं तो यह खबर आपके लिए है। चोरी करती पकड़ी गई एक महिला ने बताया कि उस पर एक चुड़ैलन का साया है जो उससे चोरी करवाती है। विज्ञान के इस युग में आज भी लोग इस तरह के अंधविश्वास हो या कुरीति में विश्वास रखते हैं। हालांकि लोगों ने वहम के चलते उस महिला को गांव से बाहर निकाल दिया है। मकसूदनगढ़ सोटालिया रोड स्थित मंदिर में चोरी करते हुए एक महिला को रंगे हाथों लोगों ने पकड़ा और चोरी का सामान भी महिला से बरामद किया। मंदिर के आसपास के लोगों ने महिला को पकड़कर पुलिस थाने में पकड़कर ले गए। तब महिला ने मीडिया को बताया कि उस पर किसी चुड़ैलन का साया है। यहाँ महिला ने मीडिया को बताया कि उस पर 14 चुड़ैलन चैट रही हैं और वही मुझसे चोरी करवाती हैं। इस मामले में किसी भी व्यक्ति ने महिला को पुलिस थाने में शिकायत नहीं की। यही कारण है कि पुलिस को भी उस महिला को छोड़ना पड़ा। यह भी बताया जाता है कि महिला की मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। फिलहाल लोगों ने मंदिर का सामान महिला से वापस लेकर महिला को मकसूदनगढ़ से बाहर कर दिया है। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। मेरे घर के ही सब, मैं कहीं जाऊंगा सिंगल लेके जाऊंगा, मुंह तो मतलब कुछ दर्द दबा मेरे बाबूजी ईमान से, मैं कोई भी कमाल की कैपेसिटी है बोलने की है बाबूजी, अरे कमाल है तो बाबूजी। ये चोरी कौन करवाता है तुमसे? चुड़ैल ने करवा भैया, चुड़ैल ने करवा। बात सुनो मेरी, पूरी बात सुनो। हां सुनाओ सुनाओ बाबू, तुम चुप जा। देखो मेरी बड़ी मोड़ी है ना, तो दमान में रोके चल भी आता हूं, तो दमान की बैयन मर गई मोड़ भूत में, तो बा मतलब मेरे शरीर में आ जाए तो मैं चुप जा, खुल दो भी हला जाएगी ईमान से। तो फिर भी एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो करवा रही बेटा, तो मंदिरों में चोरी आप क्यों? हाँ भाई करवा रही, हर जगह मुझे ठुकवा रही बेटा। तो आपसे क्या भूचुड़ैन ने चेट रहे हैं? आपसे भूचुड़ैन चेट रहे हैं बेटा? राम दई तो हनुमान जी तक पट खोल रहा हूँ। कितनी कितनी चुड़ैन ने आपसे? मुँह में 14। हाँ तो अब तक कितने कितने मंदिरों में चोरी कर चुकी हो आप? मैं कहीं से नहीं करी, जहीं करवाती वो। कौन से मंदिर पे? कोई मार दे। कौन से मंदिर पे कर? मंदिर। ओए भैया तो ये मंदिर पे आपने चोरी करी है अभी? हाँ करी है। मैं अच्छा। कर रही। क्या क्या सामान चुराया? देख लो मुझे गरुड़ी के अच्छा ये 15 दिन पहले अच्छा ने? ये पूरा सामान आपसे भूचुड़ैन ने चोरी करवाया? पूरी करवा बेटा। मैं क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम, हाँ मेरा नाम लीला है। कहाँ की रहने वाली हो? जाम देखी। आपके पति का नाम? प्रताप सिंह।
कौन समाज हो? मैं जाद हूँ, कल्याण कल्याण। मैं तो मड़ी के पट खोल रहा हूँ ना, तो मेरे सामान क्या तो आपका नाम? श्याम मीना। तो ये मंदिर में चोरी करती क्या महिला को रंगे हाथों पकड़ा है? हाँ, रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। तो कब से चोरियां हो रही थी मंदिर में? 8 दिन पहले आई थी टोनी भाई। तो इसने क्या किया, ऊपर मंदिर माता पट्टी बांध कर मंदिर में दर्शन करवा गए थे, अपन ने जाने कई श्रद्धालु होगा दर्शन करने वो पहुंचे हुए। तो ये तुरंत नीचे उतरी तो ताऊ जी पहुंचे वहाँ, और ताऊ जी पहुँचने के बाद में उसने गड़ो जी लड्डू गोपाल दोनों गायब थे, तो मैंने ऐसे पहचान लिया था मैं उसे पहचान लूंगा। तो आज जो 8 दिन बाद अभी मंदिर में दोबारा चढ़ी, जब मैं घोड़ खरीद के जा रहा हूँ तो मैंने जब देखी मैंने की क्या भाई भाई है की, तो मैंने भाई साहब से बोली मैंने भाई पर ले गए कहीं मंदिर में चेक करो, जाकर मैंने चेक करो तो मुकुट और जी गोपाल जी दोनों गायब थे। अच्छा, तो फिर आपने इनको पकड़ लिया? मैंने पकड़ लिया इसको, दोबारा ही ना ब्लाउज में से मुकुट निकाले हो जी, बाकी की चीजें बैग से बरामद। अच्छा अच्छा, आपने क्या फिर पुलिस में हवाले कर दिया? पुलिस को हवाले कर। क्या नाम है आपका? श्याम मीना। प्रेस क्लब के पत्रकारों ने किया पौधारोपण, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए दिया संदेश। एक तरफ सरकार पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए अनेक योजनाओं के जरिए प्रयास में लगी है, वहीं समाज में अपनी लेखनी के माध्यम से जन जागरण पैदा करने वाले पत्रकारों ने भी आज पर्यावरण को बचाने के लिए अलग जगाते हुए पौधारोपण किया। बता दें कि चाचौड़ा में स्थानीय पत्रकारों के साथ मिलकर नगर परिषद अध्यक्ष श्री कृष्ण भोला सोनी एवं CMO विनोद उन्नाती ने पौधा लगाते हुए लोगों से पर्यावरण के लिए जागरूक करने की कोशिश की। इस अवसर पर पत्रकार दिनेश जी भार्गव ने कहा कि जिस तरह मानव जीवन को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, साथ साथ सांस लेने के लिए भी पेड़ों की आवश्यकता भी होती है। पेड़ पौधों से ही वर्षा होती है जिससे मानव जीवन सुचारू रूप से चलता है। वहीं प्रेस क्लब के प्रदेश अध्यक्ष बृजेश श्रीवास्तव ने बताया कि पौधे लगाने का कोई एक दिन सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि मनुष्य को जीवन में कई बार पौधे लगाना चाहिए एवं संकल्प लेना चाहिए कि जब भी जीवन में समय मिले पौधे लगाए एवं उनकी देखभाल करें। क्षेत्र के समस्त प्रेस क्लब के सदस्यों द्वारा चाचौड़ा के अनेक स्थानों पर पौधारोपण किया गया, जिसमें CMO निवास एवं परिसर में पौधे लगाए गए। इस अवसर पर दिनेश भार्गव, बृजेश श्रीवास्तव, ब्लॉक अध्यक्ष विजय सिंह मीना, योगेश सक्सेना, अभिषेक जैन, विष्णु साक्यवार, शिवम नामदेव ने पौधारोपण कर पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए संदेश दिया। हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। डीजीआना न्यूज़ में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।